हम आजकल ई लर्निंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उसी क्रम में हम जो ये आपको वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, ताकि जो अभी हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सेशन चल रहा है, उस समय हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वह सब ज्ञान दे सके। प्रयास है कि हम आपको जो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, तो उस हम समय का अच्छा सदुपयोग करें, ताकि आप घर बैठे बोर भी नहीं हों, अपने समय को यूज कर सकें और अपने इस ई लर्निंग के माध्यम से अपने आप को और सुदृढ़ और समन्वित कर सकें। तो आशा है कि जो ई लेक्चर के द्वारा आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ये केवल हमारे कॉलेज में ही नहीं, अभी तो पूरे पॉलिटेक्निक में इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, और अब इसके अलावा भी अन्य संस्थाएं, अन्य स्कूल, AICT और दूसरे जो भी संस्थाएं हैं, वह अपने अपने तरीकों से वर्क फ्रॉम होम के द्वारा इस कार्यक्रम को अंजाम दे रही है। इसी क्रम में हम आगे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में दो तीन चीजें पढ़ रखी हैं कि दिक्मान क्या नापते हैं, डिविशन क्या होता है, और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी और परिभाषाएं काम में आती हैं, और उन परिभाषाओं का हमारे इस सर्वेइंग के अंदर किस प्रकार से उपयोग होता है, वह हम आपको समय समय बताते आ रहे हैं। और चूंकि यह एक अच्छा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उस लैंग्वेज हम आपको समझाएं जो कि आपकी सरल भाषा हो, सुपठित हो, और साथ साथ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आशा करते हैं कि हमारा जो प्रयास है वह आप सबके लिए कारगर होगा, और आप इससे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू या लगातार कर सकते हैं, और जो आपकी कुछ हो सकता है, क्योंकि एक क्लासरूम टीचिंग के अंदर चूंकि बोथ वे इंटरेक्शन होता है, और यहाँ पर केवल वन साइडेड ही हम थ्रो कर रहे हैं, जो हमको हम बोल रहे हैं वही आप देख सकते हैं, इसमें किस प्रकार के आपके जो कमेंट्स हैं, सजेशन हैं, क्वेरीज हैं, उसको हम इसमें इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, न इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो आपकी शंकाएं हैं, समाधान हैं, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप इसको समय समय पर अपने फोन कॉल के माध्यम से, अपने मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक समय का लाभान्वित हो, आपका कंटेंट और ज्यादा स्पष्ट हो, आप अच्छे से अपने पढ़ाई को पूर्ति करते रहें, और साथ साथ जो भी आपका समय है और साथ में आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका आप अच्छे से उपयोग करें। चलिए विद्यार्थियों, इसी क्रम का हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, और इस पढ़ाई के अंदर चूंकि आपने अभी तक दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, इसके बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन भी कर लिया है, और आपको इसके बारे में यदि कुछ नहीं तो कम से कम ये तो पता लग गया कि ये कंपास क्या करता है, कैसे कोण को नापता है, जिसे कि हम यहाँ पर हमारी भाषा के अंदर टेक्निकल भाषा में बियरिंग या दिक्मान बोलते हैं। एक और पिछली बार हमने जो चैप्टर था उसके अंदर हमने प्रिज्मेटिक कंपास की बनावट, कार्य प्रणाली, उसके उपयोग के बारे में बताया था। एक और जो कंपास काम में लिया जाता है, और ये बड़ा हैंडी कंपास है, इसको हम सर्वेयर कंपास ही बोलते हैं। सर्वेयर कंपास जैसे कि नाम में ही छुपा हुआ है, सर्वेयर, ऐसा कंपास, ऐसा यंत्र जो कि सर्वेयर मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति, इसको हम सर्वेयर बोलते हैं, आपको पता ही है, वो सर्वेयर खुद ही अपने आप ही उसका उपयोग करे, और इसके लिए किसी और अन्य सहारे की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अन्य कोई भी सर्वे का वर्क होता है, हम देखते हैं कि आपकी पूरी टीम होती है, तीन या चार का हम ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप के माध्यम से आप अपने जो प्रैक्टिकल वर्क है, व्यवहारिक कार्य है, उसको पूर्ण करते हैं। सर्वे कंपास में सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि इसे अकेला आदमी भी अपने कार्य को पूर्ण कर सकता है, जैसे कि मैंने पिछले आपको डिफेंस में बताया भी था, और आज हम इसके लिए विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। और ये चूंकि सर्वेयर कंपास है, इसमें हमने प्रणालियों के बारे में पता है, याद किया है, आपने देखा भी है, और वो प्रणालियां जो कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग या चतुर्थांश प्रणाली, उसके द्वारा इसको प्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो चतुर्थांश प्रणाली है, वह उसका जो अंकन है, वह इस सर्वेयर कंपास के माध्यम से किया जाता है।
और आपको कुछ याद है कि आपने पहले सर्वेयर कंपास में या चतुर्थांश प्रणाली क्या होती है? भूल गए तो आप अपना पिछला वाला वीडियो लेक्चर देख लेना, उससे आपको बहुत कुछ चीजें याद आ जाएंगी, और याद नहीं आ जाएगी तो उसमें थोड़ी बहुत बातें मैं आज इसमें अपने इस वीडियो लेक्चर में सम्मिलित कर लूंगा। चतुर्थांश प्रणाली, जैसे नाम से चतुर्थांश, चतुर्थ मतलब 1/4 क्वाड्रेंट, जो कि 1/4 हिस्सा, पूरे वृत्त का 1/4 हिस्सा यदि किसी बेरिंग को मापने में काम में लिया जाता है तो चतुर्थांश कहलाएगा। और इसमें फिर किस प्रकार से लें चतुर्थांश है, तो भाई आप तो कहते हैं कि सर नॉर्थ से बेरिंग नापते हैं। हाँ बिल्कुल नापते हैं, पर इसमें रेफरेंस एक्सिस होती है, जिसको हमने पहले बोल बात की हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन या चुंबकीय यामी उत्तर, जो कि एक नॉर्थ और साउथ को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम चुंबकीय यामी उत्तर बोलते हैं। चूंकि मैग्नेटिक नॉर्थ है तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी एक दिशा से नापे, वो नॉर्थ होती है, क्योंकि सर्वेयर कंपास है, चतुर्थांश प्रणाली है। तो इसमें हम पूरी लाइन को एक सापेक्ष माध्यम लेते हैं, रिलेटिव मीडिया, मतलब कि पूरी लाइन काम करेगी, पर कब काम करेगी, जो जिस एंगल, जिस क्वाड्रेंट में, जो डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन नॉर्थ या साउथ जिसके पास होगी, वहां से हम उस कोण को मापेंगे, या जो डेविएशन है उसको हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस सर्वेयर कंपास को किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं, इसकी कैसी बनावट है, क्या क्या इसके अंग होते हैं, उनका क्या कार्य है, इसको आपको व्यवहारिक कार्य में किस प्रकार से उपयोग में लेना है, और उसके बाद में एक, मैं सब बार बार मेरे प्रैक्टिकल क्लासों में बोलता हूं आपको, यह है जो हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये बहुत कॉस्टली होते हैं, और साथ साथ मैं एक और बात बताऊंगा कि जो कॉस्टली होने साथ साथ इनकी क्वालिटी बहुत उच्च स्तर की होती है। तो मैं आपको हमेशा एक प्रिकॉशंस पे हमेशा ध्यान देता हूँ, और आपको हमेशा इसको पॉइंट आउट करता हूँ कि जब भी आप कोई प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट काम में लें, कहीं भी, जरूरी नहीं मैं यहाँ सर्वे की बात कर रहा हूँ, जिस भी, कभी किसी भी प्रैक्टिकल को या किसी भी फील्ड में जब आप काम करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि उस इंस्ट्रूमेंट या जो भी, उस जिस भी आप यंत्र पे कार्य कर रहे हैं, उसकी अच्छे से सार संभाल कर लें, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें, और उसको व्यर्थ ही, अनुचित तरीके से उसको काम में नहीं लें। क्या होगा, यदि आपकी समझ कम हुआ है, आप उसको अनुचित तरीके से, मतलब अनुचित तरीका मतलब है कि जो आपको नहीं पता है उसको आप, उसको किसी पार्ट्स को आप गलत तरीके से काम में ले लेंगे, तो क्या होगा, वह पार्ट आपने एक बार तो काम ले लिया, तो हो सकता है कि उस पार्ट की जो महत्ता है वो कम हो जाए, या उसकी, उसमें कोई त्रुटि आ जाए, और त्रुटि आने के बाद, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं यदि कोई बीमार हो जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन तो कर दिया जाता है, वह उसको अब उसकी हालत में लाने का प्रयास करते हैं, परंतु वापिस अपने पूर्व स्थिति में नहीं आ पाता। इसी प्रकार से ये यंत्र है, जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है वह बहुत कीमती होती है, अच्छी होती है, सुदृढ़ होती है, और बड़ी सुविकसित होती है, और इसमें एक बार खराबी आने के बाद वो ठीक तो कर देते हैं, पर जो उसकी प्रिसिशन है, जो उसकी सूक्ष्मता है, जो उसका मापन है, अंकन है, वह उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो आशा करता हूं कि जब भी आप इनको ग्रुप में हैंडल करते हैं, मजाक नहीं करें, और अच्छे से इस कार्य को प्रयोग में लाएं, ताकि वह आगे सालों साल तक वह इंस्ट्रूमेंट बना रहे, और आपके आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी साबित हो। चलिए अब हम आपको कंपास सर्वे की बनावट के बारे में बताते हैं। देखिए, ये आपको जो चित्र दिखाया जा रहा है, इसके बारे में बता रहा था, ये सर्वेयर कंपास है। सर्वेयर कंपास प्रिज्मेटिक कंपास से अपने आप ही भिन्न दिखाई पड़ रहा है। कैसे, प्रिज्मेटिक कंपास जैसे मैं पहले बोल रहा था, उसमें एक प्रिज्म होता है, और इसमें देखिए, इसमें ऐसा कोई यंत्र नहीं है, बहुत सिंपल एक वृत्त है, इन सर्किल है, और इसके ऊपर ये दो वेन्स हैं, ये दो वेन्स, जबकि हमारे पूर्व पूर्व वाले जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें एक तरफ प्रिज्म होता था। तो आप आराम से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि सर्वेयर कंपास प्रिज्मेटिक कंपास में से कौन सा कंपास है काम में लिया जा रहा है। तो यह एक वृत्त होता है, एक एल्यूमिनियम का या ब्रास का आपका ये सर्किल होता है, इसके अंदर यदि आप देखेंगे, पहले वाले में तो वृत्त होता था, सर्किल और मैग्नेटिक दोनों स्पीड पर चलती थी, जबकि यहां पर जो ग्रेजुएशन है यह इस सर्किल के चारों तरफ अंकित है, और सीधे अंकित है। सीधे अंकित क्यों है, जैसे मैंने बताया था आपको,
कि सर्वेल कंपास में जो हम रीडिंग होती है, वहां पहले प्रिज्मेटिक कंपास में हम क्या करते थे, प्रिज्म से लेते थे, यहां पर सर्वेल कंपास से हम सीधे ही इसके ऊपर जो भी आपकी डायरेक्शन फिक्स हो जाए किसी ऑब्जेक्ट की, उसका सीधे ही हम इसके ऊपर जो डायरेक्शन है उसको हम पढ़ के उसका बेरिंग को माप लेंगे और तभी देख पाएंगे जबकि वो सीधे होंगे। जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता था कि यह उल्टे होते थे, मतलब जो सर्किल था उसके ऊपर उल्टे होते थे, जब प्रिज्म के माध्यम से आपको सीधे दिखाई देते थे। तो यहाँ एक ये बहुत अच्छा डिफरेंस है दोनों के अंदर, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेयर कंपास में, कि यहाँ पर जो सारे ग्रेजुएशन अंकन किए हुए हैं वो सीधे अंकन किए हुए हैं। अब आप इसको देख भी रहे होंगे, इसके अंदर जब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये कैसे दिख रहा है, देखिए चार भागों में विभक्त है पूरा सर्किल, ऊपर एक नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है, एक तरफ ईस्ट है और वेस्ट है, और उसमें अधिकतम जो संख्या है वह जीरो है, कहां पर, नॉर्थ और साउथ के अंदर, और ईस्ट और वेस्ट आर्ट में जब हम मूव करेंगे तो यह संख्या बढ़ती जा रही है, और कहां तक जा रही है अधिकतम, जब ईस्ट अक्ष है तो उस पर 90 है, इसी प्रकार से पश्चिम दिशा में भी अधिकतम 90 है। तो कहने का मतलब है सर्वेयर कंपास से हम जो भी बेरिंग दिक्मान मापेंगे उसका अधिकतम सीमा क्या होगी, 90 होगी। तो चलिए दोस्तों विद्यार्थियों कि आपको ये तो पता लग गया कि सर्वेयर कंपास से जो आपकी बेरिंग का मान आएगा वो अधिकतम 90 होगा। चलो इसके अब वर्णन देख लें। देखिए मैंने पहले बताया था इसको एज ए स्टैंड भी काम ले सकते हैं, जो कि नीचे देखिए स्क्रू है जो, और चूंकि मैंने बोला है सर्वेयर कंपास है, इसको जरूरत नहीं है, सर्वेयर कंपास को आप हाथ में लेकर भी काम में ले सकते हैं, मतलब सिंपल आप हाथ में ले लीजिए, इसको रख लीजिए, परंतु आपका हाथ जहां तक संभव स्थिर हो, आप किसी भी जगह को साइड करें और साइड करने के बाद में आप उसकी बेरिंग को सीधे ही इसके ऊपर से पढ़ सकते हैं, परंतु बेहतर रहेगा बहुत अच्छे मापन के लिए अशुद्धियां कम से कम हो तो वहां पर हम इसको ट्राईपॉड लगा लें, ट्राईपॉड जैसे पहले की तरह कस लेते हैं और कसने के बाद इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। कस लिया ट्राईपॉड का, आपने देखिए यहां बबल ट्यूब भी दिख रही है, बबल ट्यूब क्यों होती है, जब आप ट्राईपॉड को फिक्स करेंगे तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एस्टेब्लिश हो, तो इसके बबल ट्यूब के माध्यम से हम उसके ट्राईपॉड्स को विभिन्न दिशा में रेडियली और उसके डायमेट्रिकल उसको हम घुमा के उसकी जहां तक इस बबल ट्यूब को सेंटर में ले आएंगे, जब सेंटर में होगा तो आपकी जो निडिल है, क्योंकि इसमें निडिल बताऊं इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें जो निडिल है वह एक एज टाइप है, जब प्रिज्मेटिक कंपास में क्या थी वो ब्रॉड टाइप थी, तो इसमें एज में होने से यदि इसमें थोड़ा सा भी स्लाइटली कहीं स्लजिश हो गया, अटक गई, तो वह सही नॉर्थ में डायरेक्शन में मार्क नहीं होगी, और मार्क नहीं होगी तो यदि आप जो बेरिंग नापेंगे, अपना जो प्रैक्टिकल वर्क किया वो सारा आपका खत्म हो जाएगा, उसकी शुद्धता पूर्ण नहीं होगी, और जो आप रीडिंग मापेंगे वह अशुद्ध होगी। तो साथ में आप देख रहे हैं दूसरा इसके अंदर आते, मैंने ग्रेजुएशन बता दिया, दूसरा इसमें मैग्नेट निडल है, देखिए ये बिल्कुल एज टाइप है, पतली होती है, क्यों पतली होती है, क्योंकि तभी जब पतली होगी किसी पर्टिकुलर आपको अंक, जब भी हम कोई डायरेक्शन सेट करेंगे उसका, जब इसका अंकन करेंगे तो जो पॉइंट होगा तभी हम किसी बेरिंग को जिस जहां पर भी स्थित होगा उस माप अंक को मापन कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये निडल एज टाइप क्यों होती है। दूसरा और आप देखिए इसमें फिक्स वेजिटेटर प्लेन है, ठीक है बहुत बढ़िया है, और ये इसमें दो वैन्स होती हैं, दो वैन क्यों होती हैं, एक आई वैन है और दूसरा गाइड वैन है, आई वैन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे और गाइड वैन से जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपकी दिशा को निर्धारित कर देगा, इसको जब घुमाएंगे जब आपका जगह फिक्स हो जाएगी, जो भी आपने ऑब्जेक्ट को देखा है उसको आप आई वैन से देख के फिक्स कर देंगे और उसके बाद में सीधे ही इसके ऊपर से देखते हुए आप रीडिंग का अंकन कर सकते हैं। और साथ साथ देखिए सर्कुलर मेटल बॉक्स है, मैंने पहले बताया हुआ है, इसका डायमीटर 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने का नहीं है, और इस प्रकार से इसकी बनावट को आप काम में ले सकते हैं। यदि इसमें भी और कोई आपका क्वेरी हो, कोई आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम इसके बारे में ग्रेजुएशन को हम और देखेंगे, मैं इसके अगले जो आपका मेरा चैप्टर होगा या जो अगला मैं आपको वीडियो लेके लूंगा उसमें ही बताऊंगा कि ग्रेजुएशन किस प्रकार से होते हैं, क्या काम में लेते हैं, और एक और चीज होता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट को भी मैं अगले अध्याय में हम कवर करेंगे। तो आशा है आपको सर्वेयर कंपास की बनावट, उसकी कार्य प्रणाली, इसके अंकन के बारे में समझ में आ गया होगा, और आप इसको अपने
किताब से थोड़ा सा और अध्ययन कर लें, कुछ मेरे वीडियो लेक्चर को देख लें, तो आशा है कि आपको सर्वे कंपास को किस प्रकार से उपयोग में लेना है वो समझ में आ जाएगा। और जब भी हम हमारे प्रैक्टिकल को हम करेंगे तो इसके में अंदर जो शंकाएं होंगी, आपकी जो कोई क्वेरीज होंगी, कुछ चीज रह गई होंगी, तो हम उसको और डिटेल में वहां पर अध्ययन कर लेंगे, ताकि आपकी जो भी दिमाग में कोई शंका है उसको हम खत्म कर लेंगे। थैंक यू छात्रों, अच्छा लगेगा मुझे कि आप इसको जल्दी से अपना अध्ययन करके अपने टॉपिक को पूरा कर लें। थैंक यू।